हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन इज डूइंग फाइन सो फ्रेंड्स वी आर हेयर विद अनदर लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ जू पी एस सी ई पी एफ ओ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक लेक्चर है एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर फोर्टी इन द सीरीज एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे दो आई एल ओ के बारे में हमने कहीं ना कहीं बाकी की वीडियोज़ के अंदर भी फैक्ट्स वगैरह जो हैं वो डिस्कस किए हैं ऑल राइट बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच देखेंगे आई से रिलेटेड ठीक है फ्रॉम द ओरिजिन और फिर किस तरह से आई का एवोल्यूशन हुआ क्या वर्किंग प्रोसेस है सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे इसके अंदर से डायरेक्टली एग्जाम में फॉर्म uh, हो सकते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये लेक्चर रहेगा ओके पी लिंक डिस्क्रिप्शन में है एम कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अदरवाइज यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट डब्ल्यू कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप कर सकते हो नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन पर या मेल कर सकते हो सिक्सित ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर ओके चलिए सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट विद द लेक्चर सो आई एल ओ की फाउंडेशन ईयर आप सबको पता है नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन में इसका फाउंडेशन हुआ था और फाउंडेशन जो है वो वर्सेलिस पीस कॉन्फ्रेंस बेसिकली ये पीस कॉन्फ्रेंस जो है वर्ल्ड वॉर वन के एंड पर जो है साइन की गई थी जिसमें आपके जर्मनी और जो जो बेसिकली आपके एलाइड पावर्स थे उन्होंने पर क्या किया था था सरेंडर कर दिया ओके okay? और उसी पर्टिकुलर पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका आईएलओ का फाउंडेशन भी किया गया विच वाज एन ऑटोनॉमस बॉडी एसोसिएटेड विद द लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशन जैसा आज की डेट में आपका यूनाइटेड नेशन है जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनाया गया वैसे ही वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक लीग ऑफ नेशन भी बनाया गया था ठीक है अब जैसे यूनाइटेड नेशंस के देखो आप बहुत सारे ऑर्गन अपने को देखने को मिलते हैं डब्ल्यू ठीक है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल वैसे ही आपकी लीग ऑफ नेशंस ने भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी ठीक है अब वो लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेकिन लीग ऑफ नेशन जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया के जो लोग थे जो दुनिया के पावरफुल लोग थे जो कंट्रीज थी उनको समझ में आया कि ये लीग ऑफ नेशन का फंडा कुछ का, खास चला नहीं अल्टीमेटली लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गया वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होते ही ठीक है और लीग ऑफ नेशन के साथ उसकी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी मर गई लेकिन आई एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो उसके बाद भी जिसका सर्वाइवल जो है वो कंटिन्यू रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ये कंटिन्यूड रही दो लीग ऑफ नेशन जो इसकी पेरेंट बॉडी थी वो डिजॉल्व हो गई लेकिन आई जो है कंटिन्यूअसली फिर भी काम करती रही ओके एंड देयर फोर आई एल बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यू अब यूएन की कुछ स्पेशलाइज एजेंसीज आ जाती है ना वो लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि यू की स्पेशलाइज एजेंसीज में कौन सी कौन सी आती है जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्पेशलाइज

अब अकर ऑफ आई एल ओ एज डिस्टिंग फ्रॉम अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इज इट्स ट्राइपटाइट करेक्टर ट्राइपेटाइट करेक्टर क्या हो गया इसके अंदर तीनों एरियाज रिप्रेजेंट हो रहे हैं इसके अंदर आपके गवर्नमेंट्स uh, को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसके अंदर आपके एक्सपर्ट्स को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसके अंदर आपके इंप्लाइज और इम्प्लॉयर्स को भी रिप्रेजेंट जो है वो किया जा रहा है दैट इज वाई इट इज सेट दैट इट हैज अ ट्राइपटाइट करेक्टर ओके अब जो आई एल ओ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो आई एल ओ के प्रियम्बल में डाले गए हैं जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है हमारे भारत के संविधान का प्रियम्बल है ना वैसे ही आई IEL का आई का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका एक प्रियम्बल है ठीक है और ये प्रियम्बल में इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव डाले गए हैं और ये प्रियम्बल बेसिकली कहाँ पर बनाया गया डिक्लेरेशन ऑफ फ़िलाडेल्फिया में एक डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया सेट जो हुआ था वो हुआ था नाइनटीन में जिसमें ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव और एम्स सेट किए गए और अल्टीमेटली इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को जो डिक्लेरेशन ऑफ फिलेडेल्फिया के थे इनको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया आई एल ओ के एज इट्स प्रियम्बल इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स तो अब आपको यह भी पता चल गया कि डिक्लेरेशन ऑफ फिलेडेल्फिया क्या होता है ठीक है सवाल इसके अंदर डायरेक्टली आ सकता है कि वॉट इज डिक्लेरेशन ऑफ फिलोडेल्फिया एक इसी चीज से रिलेटेड जो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन पूछा जा चुका है दो हज़ार सतारह के पेपर में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नॉट द प्रियम्बल एफर्म्स दैट यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस कैन बी स्टैब्लिश्ड अगर आपको पीस से स्टैब्लिश करना है वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं भैया है, अगर पीस लेकर के आना है तो इट शुड बी बेस्ड अपॉन सोशल जस्टिस जब तक आप लोगों को सोशल जस्टिस नहीं दोगे तब तक आप पीस की तरफ नहीं जा सकते ओके एंड फॉर दिस इट ड्रॉज अटेंशन टू द एक्टेंस ऑफ कंडीशन ऑफ लेबर ठीक है जो भी लेबर की कंडीशन है जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है या हार्डशिप्स हो रही हैं वो सारी चीजों को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा ठीक है तो फिलेडेलिया डिक्लेरेशन में बेसिकली क्या बोला गया कि आपको कंडीशन इंप्रूव करनी है और कंडीशन इंप्रूव करने की वर्कर के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जैसे आपको उनके वर्क वर्कआर्स को रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि ओवर वर्क ना हो आपको अनएंप्लॉयमेंट को खत्म करना है आपको वेज जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए ठीक है मिनिमम वेजिस का कंसेप्ट निकल करके आता है वर्कर को सिकनेस डिजीज़ इंजरी इन सब चीज़ों से आपने बचाना है ठीक है उसके बाद उसको और सोशल प्रोटेक्शंस देनी है उसके बच्चों को बचाना है उसके घर में जो उसकी वाइफ है मदर है उनको बचाना है ठीक है माइग्रेंट वर्कर्स जो आपके यहाँ पर काम करने आ रहे हैं उनके इंटरेस्ट को आपने सेफ करना है ठीक है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ट्रेड यूनियंस का कंसेप्ट वो आपने वर्कर्स को देना है एंड अल्टीमेटली आपने वर्कर्स की टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी साथ के साथ काम करना है तो ये आपकी डिक्लेरेशन में चीजें बोली गई ओके फर्दर द प्रियम्बल ऑल्सो स्टेट दैट फेलियर ऑफ एनी नेशन टू ह्यूमन कंडीशन ऑफ लेबर इज एन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ अदर नेशन डिजायरिंग टू इम्प्रूव लेबर कंडीशन इन देयर ओन कंट्री तो इसने इंटीग्रिटी की बात कर दी देशों के बीच में कि अगर एक देश के अंदर आप ह्यूमन कंडीशन को एडॉप्ट नहीं कर रहे हो लेबर स्टैंडर्ड्स को एडॉप्ट नहीं कर रहे हो तो बाकी के देशों के अंदर भी आप जो है लेबर कंडीशन इंप्रूव नहीं कर पाओगे इसका एग्जाम्पल आप ले लो चाइना में अगर आर्स रेगुलेट नहीं हो रहे मिनिमम वेज का कंसेप्ट नहीं है एसोसिएशन बनाने का कंसेप्ट नहीं है ठीक है ये सारी चीज़ों का कोई रेगुलेशन नहीं है घंटे बीस बीस घंटे वहां लोग काम कर रहे हैं मिनिमम वेज इतनी ज़्यादा कम है लिविंग स्टैंडर्ड से भी ज्यादा कम है एसोसिएशन बनाने की परमिशन नहीं है ठीक है अब इससे क्या होगा जो बड़ी कंपनी है एम है एप्पल है अब एप्पल को अपना फोन बनाना है तो लेबर स्टैंडर्ड एप्पल यूएस की कंपनी है तो यूएस में तो लेबर स्टैंडर्ड बड़े हैं लेबर महंगी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे आपको लेबर की सोशल सिक्योरिटी पे भी खर्चा करना है लेबर की ट्रेनिंग पे भी खर्चा करना है उनको वेजेस भी प्रॉपर प्रो, देने हैं वर्किंग आवर्स भी रेगुलेट करने हैं तो एप्पल क्या करेगा एप्पल ढूंढेगा किसी देश को अब एक तरफ चाइना है दूसरी तरफ इंडिया है ठीक है इंडिया में भी चलो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इंडिया में आर्ट्स को भी रेगुलेट कर रहे हैं इंडिया में मिनिमम वेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में ट्रेड यूनियन बनाने का भी अधिकार दे दिया तो एप्पल कहेगा यार मैं चाइना चलता हूँ यहाँ मेरे को मोबाइल फोन बनाना सस्ता पड़ेगा ठीक है एम के लिए तो जो मेजर कंसर्न है वो प्रॉफिट है ना तो एप्पल को तो मज़ा आएगा चाइना में इंडिया में इतना मज़ा नहीं आएगा तो अल्टीमेटली इंडिया वाले क्या करेंगे इंडिया कहेंगे यार अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया कहेंगे हमारी पॉपुलेशन यंग है हमें एफ चाहिए हम चाहते हैं कि लोग हमारे देश में आकर के इन्वेस्ट करें अल्टीमेटली इंडिया क्या करेगा इंडिया भी अपने इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करेगा मैं एक सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ठीक है तो ये चीज़ आई एल ओ की डिक्लेरेशन में बोली गई नाउ इन द वर्ड्स ऑफ द डिक्लेरेशन सोशल जस्टिस मेंट ऑल ह्यूमन बीइंग्स इर रेस्पेक्टिव ऑफ रेस क्रीड और सेक्स हैव द राइट टू परस्यू बोथ देयर मटेरियल वेलबींग एंड देयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे लोगों को अधिकार है बिना किसी भेदभाव के कि वो अपनी मटीरियल वेलबिंग well और अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें ठीक है अब इसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है अगर आप क्वेश्चन देखो एक मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये आपका दो हजार सतारह का पेपर है ठीक है अब इस दो हजार सतारह के पेपर में अगर आप देखो डायरेक्टली उन्होंने क्या किया था एक पर्टिकुलर आपके उसमें से स्टेटमेंट उठा करके उन्होंने डाल दी थी ठीक है ये उन्होंने स्टेटमेंट डाली हुई है ना सिंपल सी कि बताओ बी एवरी वन वो और लास्ट में उन्होंने पूछ लिया दिस स्टेटमेंट विच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैज बीन इन ऑफ द फॉलोइंग इसके अंदर ऑप्शन में आपका फिलोडेलफिया डिक्लेरेशन ऑफ आई भी है लेकिन इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था इस वाले क्वेश्चन का आंसर था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो डेफिनेटली वो इस तरह के क्वेश्चन दो में पूछ चुका है तो डेफिनेटली दोबारा भी पूछ सकता है तो अगर दोबारा आपसे वो ये सवाल पूछेगा तो वो इसी फॉर्म में आपसे जो है सवाल मेनली uh, पूछेगा अगर जैसे उसने फिलेडेल्फिया डिक्लेरेशन के ऊपर सवाल बनाना है तो ऑप्शंस वही रख लेगा और आपको कह देगा कि सोशल जस्टिस को इस तरह से किसने डिफाइन किया नीचे आंसर में फिलेडेल्फिया डिक्लेरेशन ऑफ आई हो जाएगा ठीक है जी चलो उसके बाद आई की अगर हम बात करें आई के तीन मेन फंक्शन आ जाते हैं पहला कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स सेट किए जाए दूसरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए लेबर के ऊपर और इंडस्ट्रियल कंडीशन के ऊपर ताकि उस पर रिसर्च किया जा सके तीसरा टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनको जो है इंप्लीमेंट किया जा सके तो ये तीन मेन फंक्शन है आईएलओ के आईएलओ के तीन प्रिंसिपल ऑर्गन्स आ जाते हैं एक आ जाता है आपका इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस एक आ जाता है गवर्निंग बॉडी और एक आ जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस ठीक है जी अब द वर्क ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड द गवर्निंग बॉडी इज सप्लीमेंटेड बाय दैट ऑफ द रीजनल कॉन्फ्रेंस रीजनल एडवाइजरी कमेटी एंड इंडस्ट्रियल कमेटी तो जो कॉन्फ्रेंस का काम है या गवर्निंग बॉडी का काम है उसमें उनको असिस्ट कौन करते हैं रीजनल लेवल्स पर भी हमने कमिटीज बनाई हुई है ठीक है अब जो आपकी जनरल कॉन्फ्रेंस होती है ठीक है जो आपकी जनरल कॉन्फ्रेंस है वो नॉर्मली हर साल होती है और बेसिकली ये आ, हर जो मेंबर स्टेट है उसके पांच डेलीगेट इसको अटेंड करते हैं जिसमें दो डेलीगेट सरकार के होते हैं और एक डेलीगेट इम्प्लॉयर का होता है और एक डेलीगेट जो है वर्किंग पीपल को यानी कि वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है ठीक है जी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ये सुप्रीम ऑर्गन है आई एल ओ का और जो भी लेजिस्लेटिव विंग है बेसिकली ये लेजिस्लेशन वाला जो काम है जो भी कानून बनाने वाला काम है वो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस करता है जनरल कॉन्फ्रेंस आपकी गवर्निंग बॉडी को इलेक्ट करता है एंड अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन बाइनियल प्रोग्राम एंड बजट बाइनियल प्रोग्राम बनता है इसका बाइनियल बजट बनता है आई एल ओ का उसको ये अडॉप्ट करते हैं इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ वेरियस कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन ऑल राइट और जो आपकी गवर्निंग बॉडी है ये एग्जीक्यूटिव विंग है ऑर्गेनाइजेशन की और ये गवर्निंग बॉडी आपके डायरेक्टर जनरल को जो है अपॉइंट करती है और बेसिकली जो भी एजेंडा होना है हर सेशन के कॉन्फ्रेंस हर कॉन्फ्रेंस के सेशन में ठीक है और जो भी सारी बातें होनी है जो चर्चाएं होनी है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में और जो भी मेंबर कंट्रीज़ ने अभी तक इम्प्लीमेंट किया है अपने अपने देशों में रिलेटेड टू द लेबर रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द वर्किंग रिफॉर्म्स वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस होते हैं और राइट द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जिसका हेडकोर्टर्स आपका जेनेवा में है बहुत इंपॉर्टेंट है याद आपने रखना है ये सेक्रेटेरिएट का का काम करता है कॉन्फ्रेंसिस के लिए मीटिंग्स के लिए जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेन

विच वैन रेटिफाइड क्रिएट्स बाइंडिंग इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन कोई ट्रीटी इंडिया ने साइन कर ली और हमने रेटिफाई कर दिया तो फिर इंडिया के ऊपर एक बाई बाइंडिंग ऑब्लीगेशन आ जाती है कि भैया अब आपको इस ट्रीटी के हिसाब से चलना है दूसरी तरफ रिकमेंडेशन में कोई ऑब्लीगेशन नहीं आती ठीक है ये बेसिकली जैसे आई एल ओ ने कोई रिपोर्ट निकाल दी कि इंडिया के अंदर ये ये प्रॉब्लम है इंडिया को ये ये रिफॉर्म्स लेकर के आने चाहिए तो बेसिकली रिकमेंडेशन दे दी ओके चलिए उसके बाद द ऑफ आई एल ओ कैन बी कटेगराइज इन टू फाइव कैटेज फाइव कैटेगरीज में हम आई एल ओ के लेबर स्टैंडर्ड्स को कैटेगराइज करते हैं सबसे पहले आई एल ओ कहता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दो ट्रेड यूनियन गए ठीक है जी उसके बाद राइट टू ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव बार्गेनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट आ गया एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्ड एंड कंपल्सरी लेबर ठीक है बेगार फोर्स लेबर सब कुछ खत्म करें चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करें एंड एलिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इनपेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन में आपका रेस आ गया, 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 गया से तो ये आपके पांच कैटेगरीज uh, हैं जिनमें आई एल ओ बेसिकली अपने लेबर स्टैंडर्ड्स को क्लासीफाई करता है एमसीक्यू फॉर्म में वंस अगेन इट कैन भी डायरेक्टली फॉर्मड की इनमें से कौन सा जो है वन ऑफ द कैटेगरी है ऑन विच द लेबर स्टैंडर्ड्स ऑफ आई एल ओ आर फॉर्म्ड ओके चलिए उसके बाद दीज कन्वे एंड रिकमेंडेशन टेकन टूगेदर आर नोन एज द इंटरनेशनल लेबर कोड जो आई एल ओ कन्वेंशन पास करता है उनको जब आप सबको इकट्ठा कर दोगे तो आप बोलोगे कि ये एक इंटरनेशनल लेबर कोड है जिसको विफ्रेंड जेंगस ने कैसे डिस्क्राइब किया है एज द कॉर्पस ज्यूरिस ऑफ सोशल जस्टिस बेसिक लॉ ऑफ सोशल जस्टिस इसको विफ्रेड जेंगस ने बोला वंस अगेन क्वेश्चन इस तरह का वो पूछ लेता है द कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल लेबर कोड्स एंड द फॉलोइंग द कॉर्पस ज्यूरिस ऑफ सोशल जस्टिस बन गया क्वेश्चन ठीक है तो इस तरीके से आपने अपनी तैयारी को जो है वो स्ट्रेंथन अप करना है right, चलिए